हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, जो बहुत ही इजीली बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्ट लगती है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके फरमाइश पे बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपने हमीदास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ हमीदास किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चिकन बिरयानी बनाने के लिए ये हमने साबुत गरम मसाला लिया है, एक स्टार, एक चम्मच शाहजीरा, एक बड़ी इलायची, दो दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी काली मिर्च, चार लौंग, चार तेज पत्ते और पाँच इलायची। और ये हम एक स्टार, दो दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी जावित्री, थोड़े से जायफल, एक बड़ी इलायची, चार लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और दो इलायची और एक चम्मच शाहजीरा, इन सबको हम हल्का भून के पीस लेंगे। ये एक किलो हमने चिकन लिया है और इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और साफ़ पानी से धो लिया है। और ये आधा किलो हमने बिरयानी के चावल लिए हैं, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसे हम 10 मिनट भिगो के रख देंगे। अब ये हमने 50 ग्राम दही लिया है, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक प्याज, इसे हमने इस शेप में कट किया है, 7 हरी मिर्च, इसे हमने बीच में से कट लगा लिया है, और एक नींबू। अब हम चिकन में रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही, स्वाद अनुसार नमक, नींबू का रस, सबको डाल के अच्छे से पहले हम मैरिनेट कर लेंगे। इसे हम 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, ताकि जो मसाला है वो चिकन में अच्छे से लग जाए। अब हम एक बर्तन में ऑयल लेंगे, और देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी बनाने के लिए हम थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल पड़ता है। अब इसमें सारा हम जो हमने साबुत गरम मसाला लिया था वो हम डाल देंगे। तेज पत्ते हमने इसमें दो ही डाले हैं, दो तेज पत्ते हम जब चिकन बॉयल करेंगे तब उसमें डालेंगे। इसको हम हल्का लाल होने देंगे। मसाला हल्का लाल होने पर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, आधा बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आधा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट का हल्का कच्चापन दूर होने पर इसमें हम चावल डाल देंगे, जो हमने चावल भिगोए थे और इसे हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है 2-3 बार। सेकेंड हम चावल को इसमें भून लेंगे। कुछ सेकेंड चावल को चलाने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, करीबन 2.5 ग्लास पानी हम इसमें डालेंगे। ये हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिरयानी बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है, आप घर की चीज़ों से इसे आसानी से बना सकते हैं। हमने आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया बिरयानी बनाने का, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसे हम तेज आंच पर पकने देंगे, जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता है। अब हम एक कुकर में ऑयल डालेंगे, जितना हमने बिरयानी में ऑयल लिया था उतना ही हमने इसमें भी ऑयल लिया है। प्याज डालेंगे, प्याज को पहले हम गोल्डन कर लेंगे। जब तक हमारी एक साइड प्याज फ्राई हो रही है, तब तक हम इसमें चावल में नींबू का रस डालेंगे, या हम आधे नींबू का रस डाल दें। इससे क्या होगा कि हमारे चावल में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये चावल हमारे टूटेंगे नहीं। ये प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, इसमें से हम थोड़ी प्याज निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। दो तेज पत्ते डालेंगे, मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब इसमें हम जो हमने भुना हुआ गरम मसाला था वो हम इसमें डालेंगे, जिसे हमने पीस लिया था, और एक चम्मच ये बिरयानी का मसाला हमने लिया है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। मिक्स
मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम और इसे एक सीटी आने तक बॉईल करेंगे और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। एक सीटी आने पर हमने कुकर गैस बंद कर दिया है और कुकर का प्रेशर निकाल दिया है। हम इसका ढक्कन हटा देंगे। अब देखिए हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा नहीं सीटी लेनी है, नहीं तो हमारे चिकन जो है वो गल जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल एक सीटी आने पर ही गैस बंद कर देना है और उसका प्रेशर निकाल देना है। ये चावल हमारे पानी इसमें बिल्कुल सूख चुका है और ये चावल हमारे हल्के टाइट ही है, हमें इसे पूरे अच्छे से नहीं पकाया है। अब देख सकते हैं हमारा दाना टूट नहीं रहा है, बहुत ही टाइट है ये। अब इसमें हम जो हमने बॉईल किया है चिकन वो हम डाल देंगे इसे इसमें। हल्का सा इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ये हमने एक चुटकी फूड कलर में थोड़ा सा दूध मिक्स किया है, इसे हम इसमें डालेंगे इस तरीके से। बीच में हम थोड़ा सा इसे फैला देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम में 5 मिनट हम इसे दम होने देंगे। 5 मिनट बाद हमारी बिरयानी अच्छे से पक चुकी है और इसका दाने भी हमने चेक कर लिया है, ये अच्छे से पक चुका है। अगर आपकी बिरयानी ना पके तो आप थोड़ी देर और इसे दम कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे, थोड़ी सी फ्राई की हुई अनियन और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। बस ये हमारी बिरयानी बन चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चिकन बिरयानी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनी है और ये बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईजिली बन जाती है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। आप इसे चटनी के साथ, प्याज के साथ या नींबू के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। तो आप इस टेस्टी बिरयानी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमिदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।